नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं पराठे की रेसिपी और इसके साथ है साग की चटनी। बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाली है, तो ये रेसिपी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पराठा बनाने के लिए मैंने ताज़े ताज़े से खेत से मूली निकाल के लाई हूँ और इस मूली को मैंने धो लिया है और ये एक बहुत ही बड़ा साइज़ का मूली है, तो इसका मैंने आधा ले लिया है और आधे का मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो आधा ही बहुत है। और देखिए, थोड़ी देर के लिए रखा था तो इसका पानी निकल आया है, तो पानी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, मूली में से निकाल लेंगे। और आप चाहे तो कपड़े से भी निकाल सकते हो पानी। और ले लिया है धनिया के पत्ते, इसको मैंने छोटे करके काट लिया है। और ये है लहसुन के पत्ते, मैंने छोटे छोटे करके काट लिया है। मेरे पास लहसुन ख़त्म हो चुका था इसीलिए मैंने हरा लहसुन लिया है। और आटे के ऊपर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी कलर देने के लिए। हमने डाल दिया धनिया और डालेंगे कद्दूकस करे हुए मूली। अब हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये मोटी वाली लाल मिर्च है, इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। और ये जो मूली है इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए आटे के साथ, क्योंकि मूली में जो पानी होता है वो अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो जाए और इसका बिल्कुल पानी पानी सा बाद में ना हो और ज़्यादा गीलापन भी ना हो आटे में। तो मैंने पानी डाल दिया है और आटा को जो है अच्छे से लगाना है, टाइट करके हमें आटा को गूंदना है, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मूली पानी छोड़ देता है। देखिए, मैंने इस तरह से कर लिया है बहुत ही टाइट करके। और इसको आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे ढक के, क्योंकि ये अच्छे से मुलायम हो जाएगा और मूली को जितना पानी छोड़ना है छोड़ देगा और उसी से ही अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, मुलायम हो चुका है, तो इसको हाथों से हम फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि अच्छे से मुलायम हो जाए आटा हमारा। और तवा मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पर और ले लिया है आटा एक रोटी जितना, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, पराठे थोड़ा मोटा बनता है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और पराठे बेलने के लिए मैं सूखा आटा का यूज बहुत ही कम करूँगी, तो मैंने इस तरह से हाथों में सूखा आटा लगा लिया था और हाथों से ही थोड़ा बहुत फैला लिया, इसके बाद थोड़ा सा बेल जाए तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और सूखा आटा लगा लिया और इस तरह से बेल लिया। इस तरह से जो है सूखा आटा बहुत कम लगता है और रोटी पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी मैं रोटी पराठा बेलती हूँ तो सूखा आटा का यूज बहुत ही कम करती हूँ। पराठे हमारा एक तरफ सिक गया है, इसमें अब लगा देते हैं तेल, आप घी भी लगा सकते हो। इसको लगा के हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इस तरह से तेल को लगा देंगे अच्छी तरह और इसको उलट पुलट करके अच्छे से इसकी सिकाई कर लेंगे ताकि अच्छा सा स्वाद आए इसमें। तो ये बन के तैयार है टेस्टी मूली के परोठे। तो इसके साथ है सरसों की साग की चटनी, इसका रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे कोई नए दोस्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।